अच्छा, एक घोड़ी ये है आपके पास में? हाँ, एक फुलकारी नौकरी है। अच्छा, फुलकारी नौकरी। हाँ, इसके क्या नौकरी में थोड़े बहुत स्पोर्ट्स आ गए। अच्छा अच्छा, जैसे कान में है और पीठ पे है, बाकी पूरी नौकरी है। ये क्या सिंधी में मिक्स है क्या? हाँ, इसके कान खुले आ गए, सिंधी तो नहीं है, बस कान ही खुले हैं इसके। कान खुले हैं इसके, मिलते नहीं है? मिलते नहीं है, बस सिंधी प्लेट अलग हो जाती है। इसके सिर्फ कान ही खुला है। अच्छा, हाँ ज्यादा तो नहीं है पर है, जैसे मान के सिंधी में अलग आ जाते हैं, हल्का सा ऐसे बैंड भी रहता है उनमें और लंबे आते हैं कान पतले। ये कितनी उम्र की है? इसकी भी सेम ही है उम्र, 5-6 साल की है। अच्छा, 5-6 साल की। दांत की ये वो कोटी निकालती है ना घोड़ी, कोटी नहीं निकालती। अच्छा, ये दांतों से कैसे अंदाजा लगाते हैं उम्र के, कुछ आइडिया आपको? दांतों से, ये इसमें से दांतों से पता चल जाता है, ये दांत है ना। अच्छा, शुरू में अदंत रहेगी तो ये छोटे रहेंगे दांत। अच्छा अच्छा, ये सामने वाले? पहले 4 ही रहते हैं। अच्छा, अगर 10-12 महीने तक की है तब तक 4 रहेंगे, 12 महीने बाद में 6 कर लेगी ये। अच्छा, छोटे रहेंगे, बिल्कुल व्हाइट रहते हैं दांत, ये मेलावन नहीं आता इनका। बिल्कुल व्हाइट रहेंगे। हाँ, बिल्कुल व्हाइट रहेंगे दूध के दांत। फिर ये 2 दांत करेगी ना, तब ये वाले दोनों निकालेगी। अच्छा अच्छा, फिर 4 दांत में ये वाले निकालेगी, ये जो लास्ट है ना, 6 ये वाले निकाल के ऊपर नीचे के निकाल लेती है। फिर ये पूरे अलग हो जाते हैं, ये लास्ट के भी छोटे रहते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं ये दांत। उसके बाद में 7-8 साल की होती है तो ये नेस, साल बाद में ये नेस निकालती है, ये नेस निकालती है 7 साल की, 8 साल की। अच्छा, कौन से होते हैं ये? यहाँ पे निकालती है नेस थोड़ी, इस जगह अभी निकाला नहीं। अच्छा अच्छा, 6-7 साल की हो जाएगी तब यहाँ एक दांत निकाल लेगी, मतलब यहाँ पे ना वो नेस निकालती है तो उसको साल भर तक रहेगा वो नेस, उसके बाद में वापस चाट जाएगी एक बार। अच्छा अच्छा, वो वापस अंदर चल जाता है, उसके 6 महीने बाद साल भर बाद में वापस निकालेगी घोड़ी। एक नेस निकलता है 13-14 साल की घोड़ी के यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में ये यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अंदर निकलता है इस जगह, 13-14 साल की हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ पे नेस निकलेगा। बिल्कुल, तो 6 साल की है ये भी? अभी 6 साल की, दोनों की उम्र सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ये भी शादी ब्याह में? हाँ, ये भी शादी बारात में चालू है। क्या हाइट की होगी ये? इसकी 61 प्लस है, उससे ज़्यादा है। अच्छा, उससे ज़्यादा है। अभी ये महीने भर पहले ही परचेज करी थी अपन ने। अच्छा, कहाँ से? ये अपने दातरा गाँव है। अच्छा अच्छा, ये बाड़मेर से आई थी, कोई फार्म पे थी बोरी, तो वहाँ से वो दातरा वाले बना लेके आए थे, उनसे अपन लेते हैं। तो अभी ये सुपर है खाली? क्या ये खाली है, इसमें भी 2 टांगी है। अच्छा, इसके दोनों रिजल्ट उनके पास ही, एक तो नुकला बच्चा है और एक अबलक बच्ची है इसकी। अबलक में हल्का सा है, ये मुंह का आ गया उसके, हल्का सा अबलक एक साइड, हल्का सा पोंछ काला है, बाकी वाइट है। तो वो कोई मारवाड़ी घोड़े का होगा बच्चा? मारवाड़ी का, या कोई सामने दूसरी घोड़ी आ जाती है ना इधर, उससे भी हो जाता है। सामने कैसे? मतलब आप घोड़ी को घोड़ा तो दिखा रहे हो, क्रॉस करवा रहे हो, तब सामने कोई अदर घोड़ी आ जाती है ना। अच्छा अच्छा, उसकी छाया पड़ जाती है। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है ब्रीडिंग के टाइम? ब्रीडिंग के, तभी आपने वीडियो कहीं बनाते हो देखा होगा घोड़े को आमने सामने, आमने सामने पेश लड़ाते हैं वो घोड़े और घोड़ी को ना आमने सामने करते हैं, ताकि वो घोड़े ही जैसे ही है ना बच्चा हो। अच्छा अच्छा, अदरवाइज दूसरा घोड़ा या घोड़ी सामने आ जाए ना तो वो उसकी है ना छाया पड़ जाती है, पड़ जाती है, तो उसके कारण कलर वो हाँ हो जाता है हल्का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाल भौरी ये भी साफ है? बाल भौरी ये भी साफ है, इसमें भी उसकी तरह ही है, एज भौरी है, बाकी कोई भौरी नहीं है। इसके कान वाली भी कान पे है, ये वाली तो सबकी घोड़ियों की रहती है ऊपर, बाकी कोई भौरी नहीं। बाल भौरी बिल्कुल क्लियर है, सही है। अपने बाल भौरी का चेंजर जानवर है तो ये भी दुबला पतला होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 महीने में हाँ वो तो तैयार हो जाएगा। दुबला पतला जानवर तो तैयार हो जाता है, पैर का साफ। पर जानवरों में क्या है, जैसे घोड़ों में एब नहीं होनी चाहिए कुछ भी, बस बात यही है। अच्छा अच्छा, एब वैसे देखते, जैसे बहुत से मेरे को बोलते भी हैं कि यार ये घोड़ा घोड़ी काटते बहुत हैं यार। वो तो अपनी लापरवाही है, अपन छेड़ देते हैं, अभी ये घोड़ी प्यार से घड़ी है, मैं इसको बार बार मैं ऐसे मारूंगा करूंगा, इसके चलते फिर छेड़ दूंगा तो इसकी आदत खराब हो जाएगी, फिर वो काटने लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है, घोड़े घोड़ी को बिगाड़ना और सुधारना अपने हाथ में। अभी चलते फिरते मैं इसको छेड़ देता हूँ कर देता हूँ तो फिर इसकी आदत खराब हो जाएगी। हाँ, धीरे धीरे आदत मारेगी या काटेगी, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, तो वो अपनी अपनी लापरवाही अपनी लापरवाही की वजह से बिगड़ता है। मतलब बचपन से अगर आप है ना वो उसके साथ है ना रहोगे बढ़िया तरीके से बच्चे बच्ची के साथ, तो बिल्कुल फैमिली की तरह हो जाएगी वो। बिल्कुल राइट। अच्छा, ऐप के बारे में बता रहे थे, कौन कौन सी ऐप होती है आप बताओगे थोड़ा बहुत मुझे?
अच्छा 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 हाथ पैरों की और बाल बॉडी की साफ होना घोड़ी तो मार्केट में हाथों मिलेगी, आधी रात को अगर आप बेचना चाहोगे ना तो बिक जाएगी, तो 10 गिराई आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। अगर हाथ पैर की बाल बॉडी की साफ नहीं है तो आदमी सोचता है यार क्या करेंगे वहाँ पे चल के, क्या लेना लेना। ये भी शादी ब्याह भी कंप्लीट है, शादी ब्याह की कंप्लीट है। अभी नवंबर के बाद में लगभग 26-27 घोड़ी लाते हैं सेल को बेच दिए आपने नवंबर बाद में। नवंबर के बाद अभी ये वापस 5-10 दिन से लॉकडाउन लग रहा है तो इसकी वजह से नहीं हुआ, बाकी 2-3 महीने का सीजन था तो बढ़िया हो जाती। अच्छा अच्छा अच्छा। शादी ब्याह के लिए तो आपके यहाँ आसपास ही जाती होगी ज़्यादा? आसपास ही अपने किशनगढ़ भी जाती है, अजमेर, जोधपुर। अच्छा अच्छा। दूर दूर तक जाती है गोड़िया, इधर कुचामन, परमेश्वर, हाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है मिलने वाले रहते हैं अधिकतर। बिल्कुल बिल्कुल, मिलने वाले ही वजह से हो जाता है। आप इनको खिलाने में क्या खिलाते हो, जैसे सूखा चारा ही? नहीं, इनको वो दलिया कुट्टी देते हैं। दलिया और कुट्टी? हाँ, दलिया कुट्टी मिक्स करके और ये गेहूँ की चापड़ आती है चोकर, वो मिक्स करके वो देते हैं दिन में, तो 11-12 बजे अभी अंदर बांध के वो खिला डाल देंगे इनको, शाम तक खाती रहेगी। और सुबह उठते ही पापा इनको दलिया, वो सूखा दलिया आता है ना, सिर्फ वो ही देते हैं। हरा चारा नहीं देते हो आप? हरा चारा भी देते हैं। बताओ इसके देख, कंप्लीट है मतलब काम की? जैसे आप भी सिखाते हो इनको नाच कर, तो बहुत से लोग तो इनको मारते हैं यार बुरी तरह। वो मारने से नहीं, वो थोड़ा बहुत तो अगर इशारा तो देना ही पड़ता है। एक बार जानवर जास्ती करते हैं, शुरू शुरू में दिमाग देता नहीं है, थोड़ी बहुत तो ये बदमाशी करते हैं तो थोड़ा बहुत इशारा तो देना ही पड़ता है। अच्छा, हल्का फुल्का देना पड़ता है? तो देना ही पड़ता है। नहीं, बहुत से तो यार पीछे एक जड़े को खड़ा वाले हैं ना, के अंदर वो मारने ज़्यादा है, उधर क्या है वो नीचे का डांस डालते हैं, उसमें ज़्यादा दबाव रहता है। अभी अपने ना ये ठंडा काम है, तो आप 1 घंटे भी अगर घोड़ी को परेशान हो नाचते डालोगे तो ये गर्मी नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब देख लो आपके 5 साल की घोड़ी में नाच डाल दिया 15 ये फार्म के लिए कभी भी शादी बरात में नहीं लगी थी घोड़ी। अच्छा, इसको लाके इसको बिल्कुल ठंडा स्वभाव हो गया पहले तो इसका। अच्छा, पहले फार्म पर ही थी? हाँ, फार्म पर ही थी, ऐसे घूमते करती रहती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो फार्म की घोड़ी को तैयार किया आपने? बस घोड़ी को तैयार किया, इसको चलने का भी नहीं था। अच्छा, रोड पे चलती थी तो एक साइड की लगाम मारती थी, एक साइड की नहीं मारती, मतलब रोड पे टेंशन होकर चलती थी। इसमें धीरे धीरे दोनों साइड की लगाम पे सेट किया, फिर जाके ये घोड़ी तैयार हुई। पहले ऐसे एक जगह खड़ी भी नहीं रहती थी। अच्छा अच्छा, अब तो शादी ब्याह भी बिल्कुल क्लियर है, शादी ब्याह में बिल्कुल क्लियर हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। दूल्हा बैठता है तो 1-1 घंटे तक आपको पता आगे बढ़ाते डांस करने लगता है, एक जगह खड़ा रहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या, इसके यहाँ पे चोट लग गई थी क्या? हाँ, ये कोई है ना यहाँ पे ऊपर बैठने करने से लग गई। अच्छा अच्छा, ये क्या लौटती है ना, कोई कोई ध्यान नहीं दिया, उठाया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे लग गई।
चलो ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो आप। आपका एक बार फार्म का नाम है क्या कुछ? नहीं, अपने घर पे ही रखते हैं, शॉप से ही। अच्छा, और ये परचेज का काम है, काम नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम और मोबाइल नंबर एक बार बता। जयदीप सिंह राठौर है, फादर है मेरे। अच्छा अच्छा, ओम सिंह राठौर नाम है। मोबाइल नंबर बता दो। 9784726599। ठीक है भैया।